वो डॉक्टर के केबिन में है, आते ही होंगे। अभी भी दोषी मानती है शुभम की मौत का। उतनी बड़ी गलती नहीं की मैंने जितनी बड़ी मुझे सजा मिली। अब तो माफ कर दी थी माँ। ये 2 साल मैंने कैसे निकाले सिर्फ मैं जानती हूँ। अपनी मामा को खोने के बाद नहीं माँ पाई थी मैं, वो भी छीन गई वो। 2 साल से हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए आपके लिए वही प्यार वही इज्जत है जो पहले थी। पर आपने आपने तो मुझे अपनी लाइफ से बाहर ही निकाल दिया। प्यार की जगह नफरत ने ले ली है, और वो भी ऐसे कि खत्म कर दिया। मैं कार्तिक को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ उसकी हालत, वो बट गया है, सब कुछ इसे खत्म होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और जब नहीं बदला उसे बदल जाना चाहिए। ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जहाँ कुछ बचा ही ना हो। इससे तो अच्छा है ना कि सब आगे बढ़ जाए, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी के साथ की उम्मीद लिए। मैंने डिसाइड कर लिया अपना, मैं अपना और कार्तिक का रास्ता अलग कर लूंगी, दूर होगी भी, शायद शायद मैं आप दोनों के बीच में थी, लेकिन अब नहीं होगी। मैं कार्तिक को डिवोर्स दे रही हूँ। आई नो आप ये सब नहीं सुन रही है, पर फिर भी मैं कह के अपने मन को हल्का कर लेना चाहती हूँ। अब कोई नहीं आएगा आपके और आपके बेटे के बीच, कोई नहीं। कार्तिक को फेस नहीं कर पाऊंगी मैं, किसी और के पास ये पेपर छोड़ना बेटर होगा शायद, पर किसे तो नहीं नायरा, ये ठीक नहीं है। ये ठीक कैसे है?
दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग? नहीं, अरे ये मत करो, प्लीज डोंट डू दिस। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ। 2 साल अलग रह लिया ना, कुछ बदला? बदला कुछ नहीं ना, तो अब कैसे बदल जाएगा? पेपर्स अगर इमोशंस चेंज कर सकते तो इमोशंस चेंज हो चुके हैं भाभी। सबके कुछ नहीं बचा है हमारे रिश्तों में। आप मुझसे नफरत करती है, काटते कुदे हर्ट नहीं कर सकता। इस तरह रिश्तों में उलझे रहने से तो अच्छा ही है ना कि हम उन्हें खत्म करते हैं, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। मैं, कार्तिक, हम सब। तो साल निकल गए, और कितना इंतजार और कितनी उम्मीद। अगर कुछ होना होता ना भाभी तो अब तक हो गया होता, पर नहीं हुआ ना। एक ही कॉलेज, एक ही जगह रहकर भी हमारे बीच वही कड़वाहट रही, पहाड़ रहा, गुस्सा रहा, ये सब रहा। तो इन सब के रहते कोई साथ कैसे रह सकता है भाभी, आप ही बताइए। जहां प्यार की जगह ये सब ले लेना, वहां उनका अलग होना ही ठीक होता है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। पुरानी बातें खत्म होंगी, तभी तो नई शुरुआत होगी। और अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, जैसे कुछ साल पहले की थी। मुंबई आके सोचा था सबसे दूर रहूंगी तो सब भूल पाऊंगी, और फिर कार्तिक मुंबई आ गया, सबको फिर से उम्मीद होने लगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाभी, कुछ भी नहीं है, और होगा भी नहीं, ना ही मेरी तरफ से और ना ही कार्तिक की तरफ से। अब हमारे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो है डिवोर्स। डिवोर्स इसलिए मैंने ये पेपर्स बनवाए ताकि वो अपनी लाइफ में चैन से जी सके, और मैं भी। ना ही एक दूसरे से कोई लेना देना होगा, ना कोई इंटरफेरेंस और ना कोई प्रॉब्लम। नायर और मेरे बीच कुछ नहीं है मौत, और ना कभी कुछ होगा। अब हमारे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो है डिवोर्स। कुछ नहीं बचा हमारे बीच, कुछ बचा है? कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कहना है जो दिल कब कह पाता है, रिश्ता क्या
सात वचनों की विधि में सबसे पहला वचन वर अपनी वधू को देगा। तुम ही हमारे घर की अन्नपूर्णा, मेरे हर सुख दुख में तुम सदैव मेरी सहायता करोगी और मैं तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली लाऊंगा। हम दोनों मिलकर अपने और अपने परिवार की रक्षा करेंगे, कभी उस पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपकी शक्ति बनकर सदैव आपके साथ रहूंगी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी रहेगी। अब हम पति पत्नी हम एक हैं और मैं इस रिश्ते से सदा बंधे रहने का वचन देती हूँ। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस ओ मोरे सैया। बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।